मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकला ही नहीं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं लाइफ स्पैन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मिस्टर नरेंद्र राम नाम्बुला के बारे में, जिन्होंने भारत का एक डेडिकेटेड न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट सफलतापूर्वक बनाया और आज वो देश के गिने चुने लोगों में शामिल हैं जो कामयाबी के साथ साथ एक बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। जब वो घर से निकले तो उन्होंने एक रुपया भी अपने घर से नहीं मांगा, केवल एक सपना और दृढ़ विश्वास उनके साथ हमेशा रहे कि जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। और आज वो भारत के यंग और सबसे सफल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स में से एक जाने जाते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं कहानी उनके बचपन से। बचपन से ही नरेंद्र राम का झुकाव स्पोर्ट्स की तरफ रहा और कभी कभी तो वे अपने स्कूल के क्लासरूम से ज्यादा स्कूल के प्लेग्राउंड में पाए जाते थे। क्रिकेट नरेंद्र राम के प्रिय खेलों में से एक था। बड़े हुए तो एमबीए के बाद एक साल नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो उन्हें नौकरी देने वाले ने पहले 6 महीने तक बिना सैलरी के काम करने की शर्त रख दी। उन्होंने इस चैलेंज को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसी कंपनी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स बनकर उभरे। वर्षों बाद उनके कुछ नया करने की सोच, सूझबूझ और मेहनत करने का जुनून कम नहीं हुआ और अपने सपने को साकार करते हुए उन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में ऐसी कंपनी का निर्माण कर दिया जो इंडियन होने के साथ साथ इंडियाज लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और आज नरेंद्र राम की ये कंपनी नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल, आयुर्वेदिक, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस, पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स कैटेगरीज में अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि टैबलेट्स, जूसेस, गमीज, एनर्जी बार्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, डिस्केट्स इत्यादि। लेकिन आपके लिए ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि नरेंद्र राम ने इस कंपनी का निर्माण कैसे किया। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब आंध्र प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम डॉक्टर एन परमेश्वर राम है और वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से हुई। हालांकि वे अपने टाइम के एक वीक स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन उनका ज्यादातर मन स्पोर्ट्स में लगता था। वे स्कूल में वॉलीबॉल, क्रिकेट, रनिंग जैसे खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र राम का बचपन से सपना था कि वे अपनी सोसाइटी को अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और अच्छी हेल्थ दें। वो ये भी चाहते थे कि सभी फिट रहें और सभी तक न्यूट्रिशन पहुंचे। सबके जीवन में चैलेंजेस आते हैं और जो उन चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करता है वही इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होता है। शुरुआती दिनों में नौकरी करने के बाद नरेंद्र राम ने अलग अलग कंपनीज में धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनके सोचने की रफ्तार और कुछ कर गुजरने का जुनून इस कदर बढ़ता रहा कि उनके बिजनेस पार्टनर्स उनको सपोर्ट करने की जगह उनको डिस्करेज करने लगे। वो जब भी कोई नया आइडिया अपने बिजनेस पार्टनर्स से डिस्कस करते तो उनको ये कहकर मना कर दिया जाता कि अभी तुम छोटे हो और तुम्हें बिजनेस का आइडिया नहीं है। वो वक्त भी आया जब उन्होंने अपने पार्टनर्स को बताया कि दुनिया में आने वाला समय न्यूट्रिशन का है और उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सीरियसली काम करना चाहिए। बट सारे पार्टनर्स ने ये बोलकर फिर से मना कर दिया कि न्यूट्रिशन जैसे रिक्वायरमेंट्स केवल एडवांस देशों के लिए ही हैं, जैसे कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज, भारत जैसे देशों के लिए नहीं। एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यह डिस्करेजमेंट उनको और दृढ़ विश्वास देती अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करके सबको प्रूव करने का। सालों बाद अपने पार्टनर्स से एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब नरेंद्र राम को सफलता मिली तो उन्होंने सबसे पहले उस सपने को पूरा करने के लिए सोचा जिसको उन्होंने पिछले 10 साल से देखा था। और वह सपना था भारत की सबसे बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का निर्माण करने का। 2019 में उन्होंने लाइफ स्पैन प्राइवेट लिमिटेड, इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट का निर्माण किया। आज इस कंपनी की बाजार में कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है। उन्होंने इस बात का ध्यान भी रखा कि यह कंपनी न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वन स्टॉप शॉप का काम करे। आज लाइफ स्पैन में बहुत बड़ी साइंटिस्ट्स की टीम है जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती है। लाइफ स्पैन में R&D के अलावा QC, QA, पैकेजिंग और लेबलिंग के अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। लाइफ स्पैन के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद मिस्टर नरेंद्र राम ने बहुत सारे खिताब जीते, जैसे स्पेशल कवरेज ऑन लाइफ स्पैन बाय फोर्ब्स मैगजीन,
मॉडर्न इंडियाज गेम चेंजर बाय हिस्ट्री टीवी 18, बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2019 इन पार्लियामेंट ऑफ लंदन, मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी टू इन्वेस्ट इन पार्लियामेंट ऑफ लंदन बाय ग्लोबल बिजनेस, प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया बाय इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया 5000 क्वालिटी लीडर अवार्ड फॉर क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, इंडिया 5000 स्टार्टअप अवार्ड फॉर क्वालिटी, ईटी मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर, टॉप क्वालिटी मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर फॉर न्यूट्रास्यूटिकल एट इंडिया सिग्नेचर ब्रांड्स। मिस्टर नरेंद्र राम की इन्वेस्टमेंट्स आज अलग अलग इंडस्ट्रीज में हैं, जैसे कि FMCG, एजुकेशन, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरसीज एजुकेशन और बहुत सी नई स्टार्टअप्स में। इसके अलावा उन्होंने नए हेल्थ केयर ब्रांड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और आज बहुत से ब्रांड्स भारत के कोने कोने में जाने जाते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र राम एक ऐसे बिलीवर हैं जो मानते हैं कि हमने जो कुछ लिया सोसाइटी से लिया और हमारा कर्तव्य है कि हम सोसाइटी से जो लेते हैं हमें उससे ज्यादा सोसाइटी में वापस करना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र राम ने फील फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि आज तक 5000 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स, 2000 से ज्यादा आई डोनेशन कैंप्स, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और बहुत से ऐसे कार्य करता है जो कि कभी किसी के सामने पहुंच ही नहीं पाए। नरेंद्र राम का ये एनजीओ एक गौशाला भी चलाता है जिसमें उनका लक्ष्य 100 से ज्यादा गायों को रखकर उनकी संभाल करना है। मिस्टर नरेंद्र राम कहते हैं कि हमारा सपना कभी भी जादू से पूरा नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट प्रेपरेशन, हार्डवर्क और परसिवरेंस। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे नरेंद्र राम छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर आगे बढ़े और सफल हुए। और अगर सफलता की बात करें तो सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास।